हेलो बच्चों, तो दे चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट द रिएक्शन एट 300 केल्विन, ए प्लस बी गिव सी। हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है -3 किलो कैलोरीज और एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है -10 कैलोरीज पर केल्विन। तो हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी का। ओके, तो देख लेते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा जी का हमें क्या होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ओके, तो मुझे एस पता है, मुझे टी पता है, मुझे जी निकालना है, पर डेल्टा एच नहीं मालूम। इसका मतलब मुझे पहले डेल्टा एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। एंथैल्पी पता करना पड़ेगा। तो हमें पता है जो एंथैल्पी का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या है? चेंज इन द गैसियस मोल्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, हम कैसे पता कर सकते हैं, जितने भी हमारे गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स में है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो प्रोडक्ट में जितने भी मोल गैस का है उसे मैं एनपी लिख लूंगी, माइनस रिएक्टेंट में जितना भी मोल गैस का है वो मैं इसे माइनस कर दूंगी। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 मोल है, मैं वहां यहाँ माइन सॉरी 1 लिख लेती हूँ। फिर माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है गैस के? 1 + 1 2 मोल। ठीक है, सो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ गया मेरा? -1। ओके, अब मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी दी हुई है? -3 किलो कैलोरीज। ओके, और डेल्टा एस क्या दिया हुआ है? कैलोरीज में। हाँ ठीक है, और जो मेरा आर का वैल्यू होता है, सिंस ये किलो कैलोरी में है तो मुझे आर का वैल्यू भी मुझे कैलोरी में चाहिए। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, राइट। ये हमारा आर का वैल्यू होता है। और जो टी है, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें? 300 केल्विन। तो चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सिंस ये किलो कैलोरीज में है और ये वाला चीज जो हमारा आर है वो कैलोरीज में है। सो इस किलो कैलोरी को मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू -3 × 10³ कैलोरीज। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली ये 1 मोल की दी हुई है। हाँ, ये 1 मोल की ही दी हुई है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, चलो यहाँ लिख लेते हैं -3 × 10³ कैलोरीज। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? -1, क्योंकि डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या है? -1 इंटू आर की वैल्यू क्या है? मैं 2 कैलोरीज, ओके, पर केल्विन। देन टी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगी? 300 केल्विन। यहाँ मैं पर मोल नहीं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कैलोरी लिया है। और हमें पता है कि सेम डायमेंशंस का मतलब होना चाहिए, डायमेंशनल यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो डेल्टा यू को आप चाहे कैलोरी पर मोल में लिखिए या फिर कैलोरी में लिखिए, बात सेम ही है। तो ये क्या है? -3000 कैलोरीज, और ये क्या हो जाएगा? -300 × 2 हो जाएगा 600 कैलोरीज। ये क्या हो गया? -3600 कैलोरीज। ये क्या आ गया हमारी? ये हो गया हमारा एंथैल्पी। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसे इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वेशन में। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -3600 कैलोरीज, माइनस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। और जो हमारा डेल्टा एस क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -10 कैलोरीज पर केल्विन। ओके, केल्विन पर केल्विन कैंसल्ड, ये कितना आएगा? -3600 कैलोरीज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3000 कैलोरीज। उसके बाद अब से माइनस करो, ये क्या हो जाएगा? -600 कैलोरीज। इसका मतलब जो आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है वो कितना का आ रहा है? -600 कैलोरीज का। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।